ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मंजिल हमारी दूर है, तो हम खाली बैठे हैं, तो हम सर से पूछेंगे कि वो माला में 108 मोती क्यों होते हैं, जब वाली माला में, तो सर कृपया हमें बताइए। देखिए सुकुमार जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो, ज्ञान अर्जन के लिए कोई भी जगह नहीं होती कि जहाँ ज्ञान अर्जन न कर सके। यस सर। और संस्कृत साहित्य में एक बहुत सूक्ष्म बहुत अच्छी बात कही गई है कि वह सज्ञान चर्चा करती रहनी चाहिए। और एक लाइन और बहुत अच्छा कहें कि जो अच्छे लोगों का समय है वह विद्या के अर्जन में जाता है, और जो खराब लोग होते हैं ना, वो झगड़ा और कलह में अपना समय व्यतीत करते हैं। वाद विनोदेन कालोग अच्छा धीमता, अच्छे लोगों का समय जो है ज्ञान अर्जन में जाता है, और मूर्खों का निद्रा सोने में और कलह करने में, झगड़ा करने में, बात बात करने में जाता है। तो अच्छा ज्ञान तो हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए। और जैसे जो माला की बात है, माला में 108 मन के होते हैं, तो ज्योतिष से अगर हम देखेंगे तो हमारी 12 क्या होते हैं, वेद राशियां हैं, राशियां 12 राशि और 9 ग्रह हैं, है ना, कर्क मेष वगैरह 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल वगैरह सब मिला के 9 ग्रह माने जाते हैं। ये जो 12 हमारे राशियां हैं और 9, ये 9 ग्रह 12 राशियों पर जाएंगे तो कुल 12 गुणे 9 बराबर 108 हो जाएगा। इसलिए माला में 108 होती, ये पहला ज्योतिष का पहला। अब ज्योतिष से जो दूसरा कारण है कि 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र के 4 चरण, तो 27 गुणे 4 कितना हो गया, 108 हो गया, ठीक है ना, 27 गुणे 4 108। तो इसलिए भी क्या होता है हमारे माला में 108 मन, ठीक। अब देखो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए कि संस्कृत साहित्य में संस्कृत का जो आंगमय है उसमें 54 अक्षर और हर अक्षर की 2 शक्तियां, ठीक है, तो इन दोनों शक्तियां मिला के 54 गुणे 2 कितना होता है, 108 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, 108, इसलिए क्या है माला में 108 मन के होते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके नाते हम लोग ये माला में 108 मनकों का जप करते हैं। और भूगोल वैज्ञानिक रूप से कुछ लोग मानते हैं कि सूर्य का जो व्यास है और धरती से दूरी है वो 108 गुना है। तो सर ये माला जपने के वो बताइए सर, फायदे माला जपने से क्या क्या फायदे होते हैं। नहीं देखो, मंत्र कोई भी मन होता है, मन के त्राण के लिए बनाया जाता है, मन की कंट्रोलिंग के लिए बनाया जाता है कि मन हमारे एक विषय पर केंद्रित हो। तो जो हम जप करते हैं तो मन हमारा एक विषय पर केंद्रित होता है, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज में हमारा मन लगता है। और अगर हम कहीं से चिंता में रहते हैं तो भगवान को जो अर्पित करते हैं, मन जप करते हैं, भाई ये चिंता हमारी दूर हो जाए, वो चिंता भी दूर होती है। तो ये तनाव हमारा दूर हुआ, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जीवन में तनाव न रहे। अब हमारा मन कहीं लगा है तो दूसरे तनाव वाली चीज़ों में जाएगा ही नहीं। तो मंत्र जप का है, कोई भी भगवान के नाम का जप का सबसे बड़ा फायदा ही होता है, हम तनाव से थोड़ा दूर रहते हैं। और हर आदमी तनाव लेना, आज की जो 80% बीमारियां सब तनाव के कारण, तो अगर हम तनाव रहित रहेंगे तो हम अपना काम करेंगे।